सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार ओखला पे कवरेज कर रहा है। आज हम आपको पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी लेकर चल के घुमाते हैं, क्या परिवर्तन ओखला में आया है इस लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, बड़े पैमाने पर लाइब्रेरी में परिवर्तन आया है, पूरा नई टेक्नोलॉजी के साथ लाइब्रेरी तैयार। ये बाहर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हम बातचीत भी करेंगे। देखिए बाहर का ये ऑफिशियल एरिया, जैसे आप थाने के अंदर इंटर करते हैं, ये बाहर में डेकोरेशन का काम चल रहा है, ड्राइंग हो रही है। और ठीक जो सामने दरवाज़ा आप देख रहे हैं वो लाइब्रेरी का हिस्सा है। कई लोग जामिया के कई स्टूडेंट भी लगे हुए हैं इस लाइब्रेरी को बाहर से डेकोर। हमारे साथ नदीम साहब है, शिखर NGO के CEO हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और बताएंगे। नदीम भाई थैंक यू कि आपने इतना कीमती वक्त दिया। आप मुझे ये बताइए कि इस लाइब्रेरी में इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन, किस तरह का परिवर्तन आप लोग कर रहे हैं लाइब्रेरी को लेकर? लाइब्रेरी जो जैसे कि आपको बताया 2012 में दिल्ली पुलिस और शिखर ने मिलकर शुरू की थी, तो एक इसको यूनिक इनिशिएटिव बनाने के लिए हम इतना काम कर रहे हैं। डे वन से इसमें कोचिंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना जब हर चीज़ बदल रही है तो लाइब्रेरी को भी हम इस तरह का एक अट्रैक्टिव सेंटर बनाएं जहां पर लोग पढ़ने के लिए आएँ और उनकी हर जो नीड है खासतौर पर बच्चों की, स्टूडेंट्स की, वो हम यहाँ प्रोवाइड कर सकें। साथ साथ आप जैसे ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्टिकल गार्डन बन रहा है, आजकल जो एक ट्रेंड चला है वर्टिकल गार्डन का कि ग्रीनरी होनी चाहिए, बहुत अच्छा लग ग्रीन, वो हम पूरा यहाँ डेवलप कर रहे हैं ताकि बच्चे यहाँ पर बैठ के सुकून से अपनी बात कर सकें, उनको अच्छा लगे और अपनी कॉपी किताब देख के उनको एक इन्वायरमेंट ऐसा मिले थाने के अंदर जिससे उनको पुलिसिंग भी समझ में आए और यहाँ पर उनकी जो पढ़ने की पढ़ाई लिखाई से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कर सकें। नदीम साहब मैं चाहूँगा कि नदीम साहब की आप लाइब्रेरी के अंदर हम लोगों को लेकर चले और देखें। कंस्ट्रक्शन जो है बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं थाने में एक बिल्कुल एक अलग पार्ट बनते हुए नजर आएगा। जैसे भी कोई थाने में घुसेगा तो यहाँ पे थाने में आने वाला आदमी फील करेगा कि मैं कहीं आया हूँ, और ये हम बड़ा अच्छा लगता है ये कहते हुए कि हिंदुस्तान में तो कहीं भी अभी तक के इस तरह का कोई सेटअप नहीं है जिसको देख के लोग इतना खुश हैं। और आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, ये हमारा जो है पहले बहुत छोटा सा एक रूम हुआ करता था, लेकिन अभी आप जब देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी टीम है जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, इंटीरियर, और हमारे इमरान भाई हैं, दानी साहब हैं साथ में उनके साथ, और जो टीम खड़ी है ये पूरे इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसकी वजह से ये आपको इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसमें मैं आपको साथ दिखा देता हूँ कि इसमें एक स्मार्ट क्लास का प्रोविजन दिया गया है और KG क्लास से और 12th क्लास तक के बच्चे ऑनलाइन अपनी पूरी पढ़ाई यहाँ पे आगे कर सकते हैं। यहाँ पर अभी 10 कंप्यूटर लग जाएंगे, थोड़ी देर बाद तो आपको ये सेटअप रेडी मिलेगा और इसमें बच्चे अपनी क्लास के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। सेंट्रली एयर कंडीशन है और इसमें जितना आपको काम दिख रहा है ये पूरा एक इंटरनेशनल लाइब्रेरी की तर्ज पे किया गया है। इसमें मतलब बताने वाली बात नहीं है, हमारी किताबें रखना शुरू हो गई हैं, ये हमारी टीम है, इसमें हर आदमी एक्सपर्ट है। जैसे मैंने दानिश भाई और इमरान भाई का बताया, ये अपने अपने फील्ड के माहिर हैं जिन्होंने इंटीरियर किया। साथ में हमारे सना है, अनम है, इकरा है, प्रीति है, जो लाइब्रेरी के एक्सपर्ट है जिनका कोऑर्डिनेशन है, और ये हर सब्जेक्ट की किताबों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे ताकि देखने वाले को भी अच्छा लगे और हर चीज़ स्पेसिफाई होगी। यहाँ पे जितना भी काम है वो सारा ऑनलाइन है। यहाँ पे जब कोई बच्चा आएगा वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, कौन कौन सी बुक्स यहाँ अवेलेबल है वो, और जो भी उसको कंटेंट पढ़ना होगा वो यहाँ पे लगे हुए लैपटॉप से अपना देख सकते हैं। रिलॉन्च कब हो रही है उसके बारे में प्रोग्राम? 22 तारीख को दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे, साथ में बड़े अफसरान जो है वो आज इसका जायज़ा लेके गए हैं। सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं, बस आज जो टचिंग होती है वो सारी चीज़ें हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और आज ये शाम तक के हम इसको लाइब्रेरी को प्रिपेयर करके हैंड ओवर कर देंगे दिल्ली पुलिस को। नदीम भाई आपने बहुत कीमती वक्त दिया, थैंक यू फॉर, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, थैंक यू सो मच। क्या लगवाएंगे?